नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है बिहार के 10 सुपर फास्ट खबरों की। बिहार में कानून व्यवस्था पर नवगठित नीतीश सरकार के तीखे तेवर के बाद हरकत में पुलिस विभाग। जहानाबाद में एसपी मीनू कुमारी ने ड्यूटी में लापरवाही पर 2 एसआई और जेल के 12 कांस्टेबल को किया निलंबित। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए बिहार के परिवहन विभाग ने बनाई ड्राइविंग स्कूल खोलने की योजना। प्रदेश के 16 जिले में प्राइवेट ऑपरेटर भी ड्राइविंग स्कूल खोल सकेंगे। बड़े जिले में 3, मध्यम में 2 और छोटे जिले में 1 स्कूल खोले जाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में सुपौल में वाम दलों और विपक्षी पार्टियों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। पटना के दानापुर में कोरोना काल में हुई अनोखी शादी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वरवधु ने एक दूसरे को डंडे से पहनाई जयमाला। विधानसभा चुनाव और स्पीकर पद के बाद राज्यसभा में एनडीए को चुनौती देने के फिराक में थे तेजस्वी यादव। चिराग ने बिगाड़ा खेल। बिहार के निजी लैब में अब होगी महज 800 रुपए में कोरोना की जांच। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। अन्य राज्यों के निर्धारित शुल्क में कमी को देखते हुए उठाया गया यह कदम। ICMR और भारत बायोटेक द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन के 2 चरणों की सफलता के बाद तीसरे चरण का परीक्षण कल पटना एम्स में होगा, जिसके लिए पटना एम्स ने मोबाइल नंबर 9471408832 और 9919658 जारी करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना परीक्षण का हिस्सा बनने की अपील की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बतौर एनडीए राज्यसभा प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी सहित सरकार के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव 2020 में हार के बाद एक्शन में आरजेडी। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल 3 नेताओं को किया सस्पेंड। इन नेताओं पर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराने का था आरोप। बिहार में अगले साल अप्रैल में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी हुई तेज। एक बूथ पर 700 से अधिक मतदाता होने पर सहायक बूथ का किया जाएगा गठन। तो ये थी बिहार के इस वक्त की 10 सुपर फास्ट खबरें। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ बिहार की हर बड़ी खबर से भी आप रह सके अपडेट।